हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। सो फ्रेंड्स, इस सेंट्रल रेलवे में रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है वेरियस प्रोफाइल के लिए, जिसमें कि एएलपी है, टेक्नीशियन है, जूनियर इंजीनियर है और गार्ड के लिए वैकेंसी निकली है। जो रेलवे गार्ड्स होते हैं उनके लिए वैकेंसी निकली है, तो अच्छी खासी वैकेंसी है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे गाइस, इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, राइट, एंड इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ईच एंड एवरी थिंग बैक टू बैक हम डिस्कस करते हैं गाइस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। 17 आपका जो लास्ट डेट है 16 सेप्टेम्बर है लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग करने का। नाउ अगर आप इसमें देखें गाइस, ओके, सो ये देखिए, ये एलपी एंड टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 120 है ना। सिग्नल में 7 वैकेंसी है, टेक्नीशियन के लिए टेली कम्युनिकेशन में 1, इलेक्ट्रिकल पावर में 1, इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग में 1, एंड इलेक्ट्रिकल टीआरडी में 1 वैकेंसी, 4 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल टीआरएस में, केबिन क्रू में टोटल वैकेंसी है 29, एंड 2 वैकेंसी डीजल मैकेनिक में है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक में 4 वैकेंसी है, एंड मैकेनिकल एंड डीजल एनसीलरी में टोटल 1 वैकेंसी है, मैकेनिकल पावर में 1 वैकेंसी है, मैकेनिकल पावर फीटर 21, एंड टीएमसी के लिए 66, एंड ब्रिज के लिए 2। ये नंबर ऑफ वैकेंसी है फॉर असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के लिए। नाउ यहाँ पे दूसरा है जूनियर इंजीनियर के लिए, जिसमें कि आप देखेंगे जनरल में इलेक्ट्रिकल एंड जनरल सर्विस के लिए 1 वैकेंसी है, केबिन क्रू में 10 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल एंड टीआरडी में 1, उसके बाद इलेक्ट्रिकल टीआरडी और टीआरडीएस में 1, वर्क जूनियर इंजीनियर में 1, एंड 4 वैकेंसी है जो पी वे, राइट, 4 वैकेंसी है टीएमसी में, 91 वैकेंसी है। तो ये अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ पे, और गार्ड और ट्रेन मैनेजर के लिए 5 वैकेंसी है। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी है। अब इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस क्या है, ये मैं आपको वेबसाइट पे ले जाके दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको अप्लाई कर पाएंगे। ओके, सो ओके, सो यहाँ पर 42 एज दिया गया है, अपर एज जो है क्या है 42 है, और यहाँ पे आप देखेंगे गाइस एज रिलैक्सेशन 18 से 42 दिया है। जनरल के लिए ओबीसी के लिए 18 से 45, एससी एसटी के लिए 18 से 43। ओके, सो इसमें एग्जामिनेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, जो टेक्नीशियन के लिए है एलपी के लिए है 10+2 या 10+ITI, राइट, एंड जो इंजीनियर्स के लिए है जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड टेक्नीशियन में डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इसमें देखेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न दिया गया है, जिसमें कि एएलपी टेक्नीशियन के लिए 90 मिनट का पेपर होगा, पीडब्ल्यूडी के लिए 120 मिनट मिलेगा। ओके, सो इसका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, पार्ट ए में सीबीटी पेपर होगा। ये देखिए मैथमेटिक्स है यहाँ पे, मैथमेटिक्स, जनरल इंश्योरेंस, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये 4 पार्ट्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे पार्ट बी में जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा पेपर होगा, 2 पेपर होगा पार्ट बी में। ओके, इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, पार्ट बी का सिलेबस यहाँ पे है, फिजिक्स है ना, ऑटोमोबाइल, जिस भी डिपार्टमेंट के होंगे उससे रहेगा। जूनियर इंजीनियर का यहाँ पे देखिए 120 मिनट का रहेगा ड्यूरेशन, और 150 क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ सिलेबस दिया गया है। और जनरल अवेयरनेस फिजिक्स केमिस्ट्री 10th लेवल का यहाँ पे दिया गया है, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स के रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री 15, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन 10, बेसिक एनवायरनमेंट पॉल्यूशन 10, टेक्निकल एबिलिटी 100 नंबर का, टोटल 150 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है स्ट्रीम्स रिलेटेड सिलेबस का ये पार्ट है। नाउ अगर यहाँ पे देखिए, दूसरा जो है गार्ड के लिए 90 मिनट रहेगा, और आपको जनरल अवेयरनेस 40, मैथमेटिक्स 30 एंड जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 30। तो ये चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, मैथमेटिक्स, जनरल, फ्रेंड्स, ये सारा कुछ दिया गया है, राइट। सो आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है गाइस,
सो न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे देखिए, ओके, www.rrcecr.gov.in पे जाएंगे एंड देन नोटिफिकेशन आपको मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। कोई इश्यू आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं गाइस, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। ओके, सो गुड लक, मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। थैंक यू।